और एक कॉलर अपनी बात को रखने के लिए बेताब है, देखते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। हेलो, नमस्कार। हाँ आप जो, हेलो, जी हेलो, हाँ बोलिए क्या कहेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये सब सुन रहे हम क्या सुन रहे, पाकिस्तान और इंडिया का दोस्ती ये क्या सुन रहे, पाकिस्तान इंडिया का दोस्ती कैसे हो सकता है, जब हो सकता है। बिल्कुल, आप क्या समझते हैं जी, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का दोस्ती कभी जिंदगी में ना हो, वो हम लोग का दोस्त कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक जी, मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, एक इंडियन मुस्लिम बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ इंडिया के। कोई बात नहीं, आप भारतीय है, इसमें सब कुछ है, आप कहाँ से है भारत में से? जी मैं बिहार से हूँ। और कितने साल से सऊदी में है? सऊदी में तो मैं अभी हो गया 1.5 साल के करीब हो गया, अभी दुबई में भी गया था मैं, वहाँ भी 2 साल रहा था लोगों के साथ। बिल्कुल, पाकिस्तान भी देखा, दुबई में भी देखा था। पाकिस्तान के बारे में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? मतलब इंडिया के बारे में तो यहाँ के लोग यही सोचते हैं कि मतलब हद से ज्यादा गलत सोचते हैं ये लोग, मतलब हर एक बात, कोई भी बात हो गलत नहीं सोचते हैं इंडिया के बारे में, यहाँ के पाकिस्तानी जितने पाकिस्तान के लोग हैं, इसलिए ये लोग कभी दोस्त तो नहीं हो सकते हैं कभी भी। बिल्कुल, कभी सोचेंगे तो बुरा सोचेंगे यानी इंडिया के बारे में। सद्दाम भाई, आप मुस्लिम हैं? सद्दाम भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुस्लिम होते हुए भी वो आपको भाई मानकर नहीं स्वीकारते हैं? जी नहीं, नहीं वो बात नहीं, ये लोग तो भाई तो मानते हैं, भाई मानते हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि ये वैसे भाई नहीं मानते हैं ये लोग, मतलब इंडिया के मुस्लिम को भी ये बोलते हैं कि आप लोग वही हो जहाँ आपके लोग है, सब है वैसे ही आप लोग भी हो। मतलब ये लोग हमें ये नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते क्या, वो ये बोलते हैं कि इंडिया के मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं है, बहुत मतलब ये गलत बात बोलते हैं। बिल्कुल, तो आप भी नहीं चाहते कि भारत सरकार ऐसी पहल करे और ये पहल गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इतनी गलत है कि मैं बता नहीं सकता, ये तो मतलब बहुत ही गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद सद्दाम भाई, आपने समय निकाला सऊदी से इस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल करके, इतने देर होल्ड रह के अपने आपकी बात को रखा, शायद हमारी सरकार समझेगी कि देश के बाहर रहने वाले भारतीय भी क्या सोचते हैं। एक और कॉलर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे आप? सर जो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो कहीं कप लेने तो नहीं आ रहे यहाँ पे? क्या लेने आ रहे हैं? कप लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? उनको मतलब आ रहे हैं, बहुत उनकी अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने खेल के मुताबिक ही खेलना चाहिए, कहीं उनके आने के खातिर हमें हार ना जाए। बिल्कुल, आपको पता है कि ये कहा गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ये फरमान दिया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों को कि आप इसको क्रिकेट के खेल की तरह खेले, जंग की तरह ना खेले। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जिहाद का नारा देते हैं मैदान पर और भारत के खिलाफ धर्म युद्ध के तरीके से खेलते हैं, और हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहता है कि आप क्रिकेट की तरह खेलो, तो भारत जीतेगा कैसे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी। तो आप भी क्रिकेट की गेम की तरह खेलोगे तो फिर तो गेम की ही जीत होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं चाहे पाकिस्तान बहुत जीते चाहे इंडिया जीते, गेम की जीत होगी। मतलब खेल खेल की तरह होना चाहिए, हम भी ये नहीं कहते कि हमें मुफ्त में वो मैच दे दो, हम कह रहे हैं कि हमें भी उतना ही लड़ने का मौका दे दो, डिप्लोमेसी के नाम पर, राजनीतिक कूटनीति के नाम पर हमारी मैच, हमारा कप ना छीनो, ये हम चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। सरकार का प्रयास है कि दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां पर आएंगे तो उनके सामने मैदान में दोनों तरफ के खिलाड़ियों के द्वारा ऐसी कोई हरकत ना हो कि एक दूसरे को शर्मिंदा होना पड़े या वहां पर माहौल खराब हो।
ये शायद पाकिस्तान के रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसे भारत के पूर्व खिलाड़ियों को, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों की भी राय है। कई लोगों ने मेरे से बात भी की है कि आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने इस इनविटेशन को उल्टा मैनेज किया हो और इसके पीछे का तर्क ये हो कि भारतीय सरकार के ऊपर एक शालीनता से पेश आने का खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनाया जाए और इसी दबाव में खिलाड़ी टूट जाए। इसलिए इस दबाव में हम ना आए, ऐसा हम प्रयास करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को करें। एक और कॉलर, नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मोहन नाथ सोलंकी बोल रहा हूँ अजमेर। बोलिए मोहन जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये हमारे देश के नेता इस क्रिकेट को लेकर के धोखा क्यों दे रहे हैं हमारी अपनी पब्लिक को? जी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये धोखा होने जा रहा है? क्यों दे रहे हैं सर हमको? ये धोखा होने जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ सर, धोखा ये है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरफ से खेलिए ना सर। बिल्कुल, क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से खेलें सर, हमारी पब्लिक का मनोबल गिरा रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। ये पाकिस्तानी नेता जो है सर, नेताओं को ही विश्वास है क्या सर? इनकी जनता इन पे खुद पे विश्वास नहीं कर रही तो हम क्यों कर रहे हैं इनको? बिल्कुल, खेल खेल का मैं भी बहुत बड़ा खेल प्रेमी हूँ सर, लेकिन इस क्रिकेट को एक जैसे इंटरनेशनल युद्ध बना दिया है तो फिर सेना क्या करेगी? बिल्कुल, अब इस बात को लेकर के आप पाकिस्तानी नेताओं को बुला रहे हो और इन पे भरोसा जता रहे हो, यही हमारे घरों में घुस के मारते हैं, ये हमारे नेताओं को नहीं दिखता है? अब तक नेताओं के घर में नहीं घुसे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ हो सकता है सर, हाँ नेताओं के घर में थोड़ी जाएंगे सर, ये तो चोर चोर मोसेरे भाई है। चलिए धन्यवाद। मोहन नाथ मनमोहन जी के खिलाफ बोल रहे थे। एक और कॉलर, बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया को दीजिए। हेलो, हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए, क्या आप इतना वेट क्यों कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए? हेलो, हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए। उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, सीएसटीआई उत्तराखंड से। मैं ये कहना चाहता था कि जो आपने पहल की, पहले तो उसके लिए बहुत अच्छी मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छी पहल की है, धन्यवाद। और दूसरा क्रिकेट को जो है राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, धन्यवाद। क्रिकेट के राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, सीएस त्यागी उत्तराखंड से बोल रहे हैं। हम कॉलर को एक सूचना देना चाहेंगे बार बार कि आप अपने पीछे टीवी का आवाज कम रखिए तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरीके से कह पाएंगे। एक और कॉलर, बोलिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी आज के इस कार्यक्रम के ऊपर? हाँ जी, गुरबख्श मारवा बेपरवा पश्चिम विहार बिल्कुल से बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। ऐसा है कि ये विषय आपका पता नहीं था, मैं खुद आपको फोन किया था कि इसी नंबर पे, कि आप इस पे एक बात एक विषय रखिए, कुदरती आपका विषय वही है, इस पे मैंने लिखा, अपने अभी अभी लिखा था, भारतीय संसद पे हमला करने वाले और मुंबई में ताज पे गोलियां बरसाने वाले, जिस देश के हों आपकी और शैतान, उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं मेहमान? और ये आज भगत सिंह और राजगुरु को भूल कर रहे हैं अजमल और अफजल गुरु की पूजा, इस सोनिया और मनमोहन से बढ़ के हमारे देश में पागल नहीं है कोई दूजा। अरे आप तो डायरेक्ट पागल ठहरा रहे हैं। ये मैड मैडम नहीं है, ये मैड है, और ये फिरंगी है। ये फिरंगी जो है, एक महात्मा गांधी ने फिरंगियों को बाहर भगाने के लिए सारा सत्याग्रह सब कुछ किए, लेकिन और ये अपना एक राजीव गांधी एक फिरंगन को होटल की चलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा संवैधानिक भाषा का यहाँ पर मारवा जी आप और गांधी ने ये बीज बोए हैं जो आज हमें ये काटने पड़ रहे हैं। ये मुसलमान किसी तरह भी आप के काबल नहीं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, देखिए इस तरीके से टीवी के मंच का उपयोग मत करिए आप एक शालीनता के साथ, ऐसा है मारवा जी ने, आप
नहीं नहीं बिल्कुल हम इसके लिए हैं, और जितना खुला मंच हम देते दुनिया का कोई चैनल नहीं देता। लेकिन मैंने इस राजीव गांधी के उसके धर्म के लिखा था, नाना पंडित बाप पारसी, दंगनी हो जिसकी एक विदेशी नारी, उसे देश धर्म से क्या लेना देना, जिसे वो खाली कुर्सी प्यारी, आज वह भूल गया बाल पाल लाल को, नित्य सुबह रोता है इंदिरा जवाहरलाल को, आज ये सब उनको भूल चुके हैं। आपको आप और ये बीजेपी वाले भी ये बस चला के क्या किया, क्या भाजपा जी ने उनको अपना बना लिया? ये वोटों की राजनीति है, मैं बीजेपी के कनेक्टेड था, लेकिन इनकी जब ये बसें चलती हैं और ये मुसलमानों को भी ये भी बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? खुल के कहें हम हिंदू सबके साथ हैं और साथ रहेंगे। ये इसका बंटवारा इसीलिए हुआ था कि मुसलमान वहां जाओ और ये हिंदू यहाँ रहेंगे, हम अपना सब कुछ छोड़ के वहां आए हैं। हेलो, आप पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी, मारवा बेपरवाह पश्चिम बिहार दिल्ली। बिल्कुल, आपके आप क्या यादें साझा करना चाहेंगे विभाजन की समय की? मैं विभाजन के समय पैदा ही हुआ था, लेकिन विभाजन का ये है कि मैं शुरू से, मैं भी 2 अक्टूबर को पैदा हुआ हूँ, गांधी के जन्मदिन, मेरे जन्मदिन होने के बाद गांधी का जन्मदिन नहीं मनाया गया। मेरे जन्मदिन के बाद गांधी का जन्मदिन ही मनाया गया, उसके साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया गया, एक छोटे कद के जैसे हमारा कद है, उस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सोमवार को भूखा रहकर देश की सेवा की। मैंने 62 में 10वीं में पढ़ता था, यमुनानगर में हरियाणा में रहता था, मैंने बूट पार्टी की, बूट पार्टी फॉर नेशनल डिफेंस फंड, तब भी मैंने ये नहीं कहा था चीनी कमीनी तू की विचारिया, दोस्त बना के तू हल्ला मारिया, और चलाकी और चीनी दिलबंदी बड़ी, सदा होगी ऐसी कड़ी तो कड़ी, सोचा तू की आज पार्टी फुट है, लुट लवा जो भी लुटा मैनू छुट है, आपो सचे भावे जिन्ना भी लड़न होते ने इकट्ठे जो बाहर लड़न, तेरी लड़ाई सन को घाटा नहीं पाया, सब मिलके रहन दे सबक सिखाया। देखिए मारवा जी, मैं आपके दुख को समझता हूँ, जिसने खुद यातनाएं भोगी हो इस विभाजन की उसके मन से दर्द निकलेगा, लेकिन दिल में राष्ट्र प्यार है। मैंने अफजल गुरु की फांसी के लिए कविता लिखी है, राष्ट्रपति को भेजी है, उनसे जवाब आया है, हमें राजनाथ सिंह से जवाब आया है। मैं स्टूडियो में आना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और ना टाइम है, ये कार भी पता नहीं आधे घंटे में बड़ी मुश्किल मिली, मैं दोपहर 5 बजे से ट्राई किया। बिल्कुल, आप आइए। ये विषय अपने लिए अपने आप सोचा था, ये आपका नहीं पता था कि ये विषय आप देंगे। बिल्कुल, आप राष्ट्र का धर्म का कोई विषय देंगे उसके लिए मैं उसी को लिखने को तैयार हूँ। बिल्कुल मारवा जी, हमारी ये विशेषता है कि देश और समाज एक साथ मन में क्या सोच रहा है, भगवान इतनी हमें शक्ति दे चुका है कि हम समझते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और वही करनी शक्ति है, कोई देने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, निर्धन हूँ, निर्बल हूँ, निर्धन हूँ और करूँ हूँ, बुढ़ापे में 63 साल की आयु है। मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद।